जनपद कानपुर देहात के थाना मूसा नगर के तेज तर्रार थाना प्रभारी दीपक सिंह, जो कि एसटीएफ लखनऊ में रहकर 8 वर्ष तक अपराध व अपराधियों का खात्मा कर थाना मूसा नगर कोतवाल बनते ही अपराध व अपराधियों पर नकेल कसते हुए नजर आए। आज कई थानों में जालसाजी, ठगी आदि के मुकदमे में वांछित 25,000 के टॉप 10 अपराधी को मूसा नगर पुलिस ने शनिवार को मूसा नगर गौसगंज निवासी महेंद्र शुक्ला उर्फ मंझले को मनकी रोड बालाजी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। महेंद्र शुक्ला के विरुद्ध मूसा नगर थाने समेत कई थानों में जालसाजी, ठगी नौकरी के नाम पर रुपया लेने के कई मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वह टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था। पुलिस को उक्त अभियुक्त की काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस ने ठग महेंद्र शुक्ला को पकड़कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किया है, क्या है पूर्ण? थाना मूसा नगर क्षेत्र में महेंद्र शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो इसी कस्बे का रहने वाला था, उसने अपने बेटों के साथ एक विकलांग महिला को जाल में फंसा के उसे 5,00,000 रुपए नौकरी दिलाने के नाम पे लिया था। इस संबंध में 2019 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके दोनों बेटे पूर्व में ही वारंट जारी था, उनके खिलाफ जेल भेजा जा चुका है। आज ये मुख्य अभियुक्त जो महेंद्र शुक्ला है, आज वो अरेस्ट किया है मूसा नगर पुलिस ने और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, हिस्ट्री सीट भी खुली है और इस संबंध में चूंकि वो गैंग बना करके इस तरह काम करता था, इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इसका कार्यक्षेत्र क्या क्या था, कहाँ किन जनपदों में ये करता था, क्या इसका? इसके कानपुर नगर और कानपुर देहात के कई थाना क्षेत्रों में इसके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं। कुल अब तक 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें भोगनीपुर क्षेत्र और कानपुर नगर के क्षेत्र में और मूसा नगर में भी पूर्ण मुकदमे पंजीकृत। सर, अभी जो महेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में कुछ और मामला सामने आया, इसके साथ कुछ और भी साथी होंगे? नहीं, इसके दो साथी जो इसके दोनों बेटे हैं वो इस केस में इन्वॉल्व थे और अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री का आकलन करके और उसके जानकारी करके जो और भी इनके साथी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी निर्दाचन कार्रवाई और विधिक कार्रवाई की जाएगी।